मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। पंप संचालकों ने फिर हड़ताल की दी चेतावनी, बोले सरकार ने 10 दिन का मांगा था समय, वेट नहीं किया कम। पेट्रोल पंप संचालकों ने 1 अक्टूबर से एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इससे पूर्व सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 10 दिन बाद भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने पर हड़ताल पर जा रहे हैं। पाली पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय श्रेत्रिय ने बताया कि 1 अक्टूबर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल डीजल बिक्री जिले के सभी डीलर पेट्रोल पंप पर बंद रहेगी। 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सभी पेट्रोल डीजल पंप के एसोसिएशन। हाँ, हम आपको बता दें कि पेट्रोल पंप संचालकों ने फिर एक बार मन बना लिया है, 2 अक्टूबर से जा सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। पेट्रोल पंप के एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय ने कहा कि अब राज्य सरकार केंद्र के पाले में गेंद डाल रही है, 10 दिन के समय के बाद भी नहीं सरकार ने कोई उठाया कदम, नहीं किया वेट कम, इसलिए 1 अक्टूबर से 6 बजे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल डीजल रहेंगे बंद। 2 अक्टूबर को जा सकते हैं अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चेतावनी दी है पाली पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय श्रोत्रिय ने। आप देखने वाली बात होगी कि पिछले समय में भी यह चेतावनी दी थी, 3 दिन पेट्रोल पंप की आंशिक हड़ताल रही थी। बने रहिए मेरे साथ, मैं अजय सिंह तोमर।